हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल द एविजेड एकेडमी में। प्यारे बच्चों, अगर आप एनएएस ओपन बोर्ड के 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट ले रखा है पेंटिंग यानी कि चित्रकला, जिसका पेपर कोड है 225, और अगर आप इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल तैयार करना चाहते हैं, टेंशन में थे कि हम अपने पेंटिंग का प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएंगे, एक सुंदर प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी और हम इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कैसे देंगे, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की तमाम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैंने निकाल दिया है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को पेंटिंग की जो प्रैक्टिकल फाइल है वो कैसे बनानी है, उसमें क्या लिखना है, उसको कैसे डेकोरेट करना है और कैसे आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर पेंटिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर 70 में से 70 यानी कि फुल बटा नंबर कैसे मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एनएएस ओपन बोर्ड पेंटिंग के प्रैक्टिकल फाइल के अंदर जो है 70 मार्क्स प्रोवाइड करवाता है, यानी कि 70 नंबर आप लोगों को देता है और 30 नंबर का जो है थ्योरी एग्जाम होता है। तो आप लोगों को 70 में से 70 मिल जाएं, उसके लिए जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। वैसे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इससे बेहतर वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। यहां पर आप देख पाएंगे हमने बच्चे की एक पेंटिंग की प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, बच्चे ने हमसे ही इसको बनवाया है। बस बच्चा करेगा क्या कि इसे हमसे लेगा और अपने एग्जाम सेंटर पर जाकर सबमिट कर देगा। अगर आप अपने आप खुद से पेंटिंग की प्रैक्टिकल फाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्रंट पेज तैयार करना होता है। फ्रंट पेज के ऊपर आपको पेंटिंग यानी कि चित्रकला सब्जेक्ट का नाम लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है क्लास 10th, पेपर का कोड लिखना है 225, आपने क्या बनाया है प्रैक्टिकल फाइल बनाई है। इस तरह से आपको डेकोरेट करके अपना फ्रंट पेज तैयार करके आपको रख लेना है और उसके बाद अंदर की तरफ जो है आप लोगों को इस तरीके से इंडेक्स वगैरह फिल करना है। यहाँ पर मैंने अभी फिल नहीं किया है। उसके बाद ये देखिए, जहाँ पिक्चर की ज़रूरत हो वहाँ पर पिक्चर पेस्ट करेंगे। अगर आप खुद से बना सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसका कलरफुल प्रिंटआउट निकलवा कर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है प्रयोग संख्या 1 यानी कि प्रयोग 1, और उसके बाद ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, बिना किसी कटिंग के आपको इस तरीके से अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। ये देखिए पिक्चर का भी यूज़ करना है और इस तरीके से आपको लिखना भी है। ये देखिए प्रयोग संख्या 2, फिर पिक्चर, और ये देखिए अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है तो आप इस तरह की साइंस की एक प्रैक्टिकल की नोटबुक लेकर उसके अंदर ये नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए आपको पेंटिंग भी बनाना है और लिखना भी है। ये देखिए आपको पेंटिंग भी यहां पर पेस्ट करना है और इस तरह से लिखना भी है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है इस तरह से डेकोरेट करने का, इसको सजाने का, तो आप कर क्या सकते हैं, आप हमसे इस तरह से पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। आपको हमसे पीडीएफ लेना है, कलरफुल इसका प्रिंटआउट निकलवा लेना है और अपने स्टडी सेंटर पर इस तरह की एक प्रैक्टिकल फाइल लेकर उसके अंदर आपको इस तरह से ऐसे डालना है, और ये देखिए बन गई हमारी प्रैक्टिकल फाइल और इसको आपको सबमिट कर देना है। ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल बन गई, अगर आप लोगों के पास लिखने का टाइम नहीं है तो। अब आप हमसे ये जो पीडीएफ लेंगे उसके अंदर देखिए मैं आपको क्या प्रोवाइड करवाता हूँ, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमने लिखा है क्लास 10th फुल सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल अप्रैल या अक्टूबर, पेपर कोड, और ये आपका टॉपिक हो गया। इस तरीके से हमने इसको लिखा है। ये देखिए ये पिक्चर वगैरह भी है। ये देखिए प्रयोग संख्या 2। ये देखिए बस आपको करना क्या है, आपको इसको हमसे लेना है और अपने स्टडी सेंटर पर जाकर इसको सबमिट कर देना है। ये देखिए हमने किसी भी तरह का कोई भी वाटर मार्क यूज नहीं किया है, हमने अपने एकेडमी का या किसी भी चीज का नाम नहीं लिखा है। इससे क्या है कि यह आपकी खुद की प्रैक्टिकल मानी जाएगी, ठीक है। ये देखिए और इसको आपको अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट कर देना है।
अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो, अदरवाइज अगर आप जो है इस तरह से हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो फिर आप ऐसे में प्रिंट आउट निकलवा कर आप इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल का जो फ्रंट पेज है उसे बना लें और इसको इसके अंदर डालकर सबमिट कर दें। ये ऊपर का जो कवर है वो बनाना कंपलसरी है, अदरवाइज अगर आप सिंपल ये सबमिट करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग में प्रैक्टिकल फाइल बनी हुई है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, अगर आप इस तरह से PDF में देंगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे। लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम है नहीं और एग्ज़ाम छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है प्रिंट आउट निकलवा कर सबमिट कर दें। याद रखें, आपके पास इस तरह का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, जो यूट्यूबर हैं उस यूट्यूबर का नाम नहीं होना चाहिए, उसके यूट्यूब का चैनल का नाम नहीं होना चाहिए, कुछ भी यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल प्लेन पेज पर आपका लिखा हुआ होगा तो ही आप इसे सबमिट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप बनाकर सबमिट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को दोनों बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दे रखा है उस पर क्लिक कर कहीं भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आप लोगों के पास इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचती रहे। और अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल कुछ भी चाहिए, किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर व्हाट्सएप करें, मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।